अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वापसी में हम हैदराबाद से आए थे ठट्ठा, और ठट्ठा में खड़े हैं और अभी हम मकली ग्रेवयार्ड पे आए। मकली ग्रेवयार्ड यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी पे, टांगा चलेगा और ये पीछे बैठे हैं, सब इंजॉय करेंगे, चाचा घुमाएगा मकली ग्रेवयार्ड। और चाचा की सवारी शुरू हो गई है। ये है मकली ग्रेवयार्ड की सबसे खूबसूरत सवारी, ये बाबा सांप दिखाते हैं, ये नीचे अगले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। आ चाचा के डाल दी खुशी। ये भाई रेस्ट हाउस मोनोमेंट वगैरह ये सारे लगे जी सर, ये जानिब बेग की मज़ार है। टांगा गाड़ी पे बैठे हैं, चुने ने फरमाइश की है कि सीटें दूसरी लगवाएं और आरिफ पकड़ के खुद को बैठा हुआ है और ये बोर्ड लगो पे अब उधर बाबा, ये गवर्नर हाउस है मकली का और ये मकली ग्रेवयार्ड का रास्ता और शहनशाह सवारी पे हम चल रहे हैं। हम हैं टांगा पे, टांगा गाड़ी भाई, घोड़ा गाड़ी। ये है टॉम अमीर सुल्तान उमंद वलद अमीर हाजी बेग मुगल का मकबरा है और यहाँ पे अंदर चार मज़ारें वाक़ हैं और इसमें एक ही है जो मखसूस मज़ार है और ये 1569 का मकबरा है। आरिफ भाई जी, मकली ग्रेवयार्ड देख के आपको क्या फील हुआ? यार यहाँ पे ना ये चीज़ घूमने के लिए नहीं है, ये चीज़ जो है ना इबरत लेने के लिए है। देखें आप पूरे 200, मेरे ख्याल से 200 एकड़ से ज़्यादा होगा एरिया, इससे भी ज़्यादा होगा कि जहाँ ही देखेंगे आपको कब्रिस्तान ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप बंदा इंजॉय नहीं लेकिन सबक ज़रूर ले सकता है, इबरत हासिल करनी चाहिए। कब्रिस्तान है और एक और बात की तारीखी एक मकाम भी है सिंध की हिस्ट्री के हवाले से, उसके बारे में क्या कहना है जी? सिंध में ऐसी कई कल्चर्स के हिसाब से जगहें हैं लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से इन पर कोई नज़रसानी नहीं की जा रही है। आप यहाँ से निकल के जाएंगे रनीकोट की तरफ, जैसे अपना खैरपुर की तरफ वो कौन सा है किला एक तो होना चाहिए। चलिए मैं अभी आपको टॉम्ब ऑफ चांद बाबा दिखाता हूँ जो कि 1664 AD का बना हुआ है, उसकी हिस्ट्री है। 1664 का एक मज़ार है और ये जो है जान बाबा ईसा खान तुरखानवल का बेटा, ईसा खान तुरखान का बाप है। दोस्तों मकली ग्रेवयार्ड देखने के बाद हम लोग गए हैं शाहजहान मास्क, आइए आपको शाहजहान मास्क के व्यू दिखाता हूँ।